और जॉब। जॉब मीन्स टू गेट समवेयर रिक्रूटेड, कहीं पे हमें नौकरी चाहिए तो उसे कहेंगे जॉब। और इसके टाइटल से आपको लगा होगा कि ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब एप्लीकेशन वी ऑल्सो कॉल इट। एप्लीकेशन फॉर अ जॉब में हम क्या लिखें और कहां से हमें पता लगेगा कि जॉब निकल रखी है, मतलब वैकेंसीज आर देयर एंड आई शुड अप्लाई फॉर द वैकेंसी। मैं पर्पजली ज्यादा इंग्लिश में बोलने की कोशिश करूंगा। यू प्लीज पे अटेंशन टू माई वर्ड्स। लिसनिंग से ही इंग्लिश आपकी इम्प्रूव होगी। हिंदी में बताऊंगा तो आप हिंदी में लेटर लिखना सीखेंगे, इंग्लिश में बताऊंगा तो आप इंग्लिश में लेटर लिखना सीखेंगे। सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। इफ यू विल पे अटेंशन यू विल श्योरली अंडरस्टैंड। अब देखिए क्या होता है। कल हमने क्या बात की थी कि लेटर फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं। तीनों की क्वालिटी बताई थी। उसके अलावा ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम रोज डिस्कस कर रहे हैं आजकल, वो क्या है, फॉर्मेट एंड कंटेंट। व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। सो फॉर्मेट के बेसिस पे फिर हमने क्या किया था, वी हैव डिवाइडेड द लेटर इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से थे, इंडेंटेड, और सेकेंड कौन सा था, ब्लॉक फॉर्मेट। सो इंडेंटेड एंड ब्लॉक फॉर्मेट। और हमने फाइनली किसको एक्सेप्ट किया था अपनी इस पूरे कोर्स ऑफ जो लेटर राइटिंग है उसके लिए, ब्लॉक फॉर्मेट के लिए। सो वी विल राइट एन एप्लीकेशन इन ब्लॉक फॉर्मेट सो दैट वी कुड सबमिट इट टू द ऑफिस वेयर द वैकेंसीज आर। सो कैसे करते हैं, हम सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, आप भी मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे। एट द टॉप वी राइट सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, एंड देन रिसीवर्स एड्रेस, एंड देन सब्जेक्ट। ये हमने कल बात की थी। ये फॉर्मेट हमने एक ब्लॉक फॉर्मेट में सारे लेफ्ट मार्जिन में इस तरह से लिखने की बात की थी। अब हम लिखते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मींस सर, मैम एंड व्हाटएवर। तो ये सैल्यूटेशन है। फिर हमने बॉडी की बात की थी, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ। दिस विल बी द बॉडी ऑफ आर लेटर। और फाइनली क्या बात की थी हमने, इसको किससे एंड करेंगे, सब्सक्रिप्शन से। सब्सक्रिप्शन मींस योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली और अफेक्शनेटली, जो भी आप लिखना चाहेंगे, एंड देन योर नेम। ये कंपोनेंट एक लेटर के होते हैं। इतनी चीजें आपके लेटर में इंक्लूड होती हैं। इसके अंदर हम, मैंने इसमें लिखा इसलिए नहीं कि ये आपका एक फॉर्मेट था जो हमने क्विकली रिवाइज कर लिया। आज हम इसमें क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर जॉब। अब एप्लीकेशन मीन्स फॉर्मल लेटर, हम एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं जॉब के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि वो जॉब पब्लिशर है कौन। हमें पता कैसे लगता है जॉब कहाँ निकली है, न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में क्या दिखता है, एडवर्टीजमेंट। उस एडवर्टीजमेंट को बेस मान करके हम अपनी जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं। यू कैन नॉट राइट एन एप्लीकेशन फॉर जॉब इफ यू डू नॉट हैव एनी एडवर्टीजमेंट, रिमेंबर दिस। तो आगे क्या चलेंगे, यहां तो आपको पता है कि सेंडर्स एड्रेस आपका है, डेट भी आपकी है, ये तो कॉमन रहता है आपके लेटर में। अब यहाँ पे जो रिसीवर्स एड्रेस है, अरे जिसको मैंने लिखा है, रिसीवर्स एड्रेस में आप किसका एड्रेस लिखेंगे, जो एड्रेस उस एडवर्टीजमेंट में दिया है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी क्वेश्चन क्या देता है, वो एक एड बना के दे देता है और उसके नीचे लिख देता है कि इस पे एप्लीकेशन लिखिए। सो आपको वो एड देने का मतलब क्या है, टू फर्निश यू विद द डिटेल्स ऑफ योर रिसीवर्स एड्रेस, योर्स एड्रेस, सब्जेक्ट एंड द कंटेंट। वो सब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। यू नीड नॉट टू बॉदर फॉर एड्रेस एंड फॉर कंटेंट बिकॉज 90% ऑफ द थिंग्स एज अ हिंट इज गिवन टू यू इन योर क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। सब्जेक्ट, आपने रिसीवर्स एड्रेस लिखा। सपोज हमारा रिसीवर्स एड्रेस है दास एंड कंपनी लिमिटेड, तो
हमारा रिसीवर्स एड्रेस में यहां पर हम लिखेंगे द सीईओ। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जो ओल्ड ट्रेडिशन था वो था टू द ऐसे लिखने का, टू द सीईओ। सीईओ क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सबसे बड़ा जो ऑफिसर किसी कंपनी में माना जा सकता है सीईओ। तो यहां पे हम ये टू को अब नहीं लिखते हैं, इट इज बेटर टू राइट द सीईओ। आसान भी है और अच्छा भी लुक दिखता है। द सीईओ हमारा जो दास एंड कंपनी लिमिटेड एडवर्टाइजर है और उसका बेस देहरादून में है। सो हमारा क्या हो जाएगा? द सीईओ दास एंड कंपनी लिमिटेड एंड देन देहरादून, यहां पर हम लिख लेंगे। अब फिर सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? सिंपली एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। मैं अगर यहां स्पेसिफिकली लिख दूं तो वो आप यूनिवर्सल मान लेंगे। द नेम ऑफ द पोस्ट इज ऑलवेज गिवन इन द एडवर्टीजमेंट। और यहां क्वेश्चन में, मतलब बोर्ड की तैयारी के लिए अगर आप जॉब एप्लीकेशन लिखना सीख रहे हैं या फिर फ्यूचर के लिए सीख रहे हैं, बेहतर होगा फ्यूचर के लिए सीखेंगे, बोर्ड एग्जाम में तो आप कर ही लेंगे। सो फ्यूचर के लिए अगर मैं कहूं तो आपको ये जो सब्जेक्ट है ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको आपके उस एड में जिसमें वैकेंसी निकली है। और यहाँ बोर्ड एग्जाम में कहाँ मिलेगा ये सब्जेक्ट? आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो सिंपली हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इंजीनियर, अकॉर्डिंगली। सब्जेक्ट लिखने के बाद सैल्यूटेशन आपको पता है सर लिखते हैं, कल मैंने लेटर भी दिखाया था, उसका फॉर्मेट भी दिखाया था। अब आगे हमारे तीन पैराग्राफ हैं, ये बड़े की होते हैं, ये हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसी में से 80% एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर मीन्स वन हु गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू द पर्सन, एम्प्लॉयर वन हु इज एम्प्लॉयड। मैंने तुम्हें नौकरी दी है तो मैं एम्प्लॉयर हूं और आप क्या है? एम्प्लॉय। तो ये वर्ड बार बार आएंगे। सो जो एम्प्लॉय है वो इसको पढ़ करके 80% मन बना लेता है कि ये आदमी मेरे काम का है कि नहीं है। सो आप समझ सकते हैं कि ये लेटर राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, यू कीप दोस थिंग असाइड, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज दिस लेटर। सो हम इसमें क्या लिखें कि सामने वाले को इम्प्रेस कर सकें? अब ये क्योंकि फॉर्मल है, हम ऐसी बात तो लिख नहीं सकते हैं, सर यू आर सो गुड एंड आई लाइक योर पर्सनैलिटी एंड आई हैव सीन यू समवेयर, ये तो यूजलेस हो जाएगा। वी हैव टू राइट द फॉर्मल लैंग्वेज एंड इम्प्रेस द पर्सन। सो यू कैन एस्टिमेट हाउ डिफिकल्ट इज इट। वो इम्प्रेस होने के लिए इनफॉर्मल लैंग्वेज चाहता भी नहीं इम्प्लॉयर, बिकॉज प्रोफेशनलिज्म आपने सुना होगा, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो इनफॉर्मल लैंग्वेज को पसंद कम करते हैं। तो हम फॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं, देखिए क्या होता है। फर्स्ट पैराग्राफ जब हम लिखते हैं, सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ वी इंट्रोड्यूस द एड एंड अवर सेल्फ। वो लेटर मैं उसे क्यों लिख रहा हूं, क्यों पढ़े वो? थोड़ा सा और यहाँ पे मैं एक करेक्शन करूं, ये सब्जेक्ट सैल्यूटेशन के बाद भी आ सकता है, मैंने कल भी इसको हाईलाइट किया था। आप सब्जेक्ट यहां भी लिख सकते हैं और यहां भी लिख सकते हैं। वापस आते हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ पे। आप लेटर हमेशा स्टार्ट करेंगे आई एम राइटिंग दिस लेटर इन रिस्पॉन्स टू। एक तरीका तो ये है, क्या लिखेंगे? आई एम राइटिंग दिस लेटर इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट नंबर दिस 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 डेटेड दिस 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 दिस, माने वो सच एंड सच डेट, जो डेट उसमें लिखी हुई है उस न्यूज़पेपर में, एडवर्टीजमेंट नंबर भी लिखा होगा, डेट भी लिखी होगी। सो आई एम राइटिंग दिस, आई एम अप्लाइंग दिस इन रिस्पॉन्स टू द लेटर नंबर, टू द एडवर्टीजमेंट नंबर दिस 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 डेटेड दिस 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 पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर का नाम, अमर उजाला, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, व्हाटसएवर, ये आपका पहला सेंटेंस होना है। इसी को दूसरे तरीके से कैसे कहेंगे, ज्यादा मुझे अच्छा लगता है पर्सनली मुझे, वो क्या होता है?
विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट नंबर दिस दिस दिस। आपने रेफर कर दिया कि मैं ये एप्लीकेशन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपने अपने न्यूज़पेपर इस डेट के न्यूज़पेपर में मांगा है। सो यू आर फैक्चुअल एंड इंट्रोड्यूसिंग द एडवर्टीजमेंट, थ्रू द एडवर्टीजमेंट यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब। सो विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट डेटेड दिस दिस दिस, एडवर्टीजमेंट नंबर भी आप डाल सकते हैं, नंबर दिस दिस दिस, डेटेड दिस दिस दिस, पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदुस्तान। आगे क्या लिखेंगे उसके बाद? उसके बाद आप लिखेंगे कि आप उसमें इंटरेस्टेड क्या है, क्यों है। आई फाइंड माई सेल्फ सुटेबल फॉर द जॉब या आई ऑफर माई सर्विसेज फॉर द जॉब। फर्स्ट पैराग्राफ की बात हो रही है, मैं अप्लाई कर रहा हूं और अपनी सर्विसेज ऑफर करता हूं। आई ऑफर माई सर्विसेज, आई ऑफर माई कैंडिडेचर, मैं अपना कैंडिडेचर मैंने एज ए कैंडिडेट मैं आपको अप्लाई करता हूं कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर एडवर्टीजमेंट एंड आई वॉन्ट टू वर्क फॉर द पोस्ट यू हैव पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। सो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो जाएगा। सेकेंड पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे? यू हैव रिटन, यू हैव गिवन द रेफरेंस ऑफ एड एंड योर इंटरेस्ट, यू आर इंटरेस्टेड, यू आर इंटरेस्टेड। ये दो बातें आपने पहले पैराग्राफ में लिख दी। सेकेंड पैराग्राफ, इन द सेकेंड पैराग्राफ वी गिव आर क्रेडेंशियल्स, हम अपने टेस्टिमोनियल्स एंड क्रेडेंशियल की बात करते हैं। हम अपने एक तरह का अपने को अपने जो क्वालिफिकेशन है उसको जरा सा हैवी वर्ड हो जाएगा आपके लिए लिखते हैं, वी गिव आर क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन हम इसमें लिखते हैं। सो आप कैसे स्टार्ट करेंगे सेकंड पैराग्राफ? आप सेकंड पैराग्राफ में कहेंगे कि आप इस लेटर में के साथ, इस एप्लीकेशन के साथ क्या देते हैं? एक बायोडाटा देते हैं। आप एक बायोडाटा देंगे, आप अपना फुल स्केप इंट्रोडक्शन देंगे ताकि वो एम्प्लॉयर जान सके हु इज द पर्सन, वॉट इज हिज क्वालिफिकेशन एंड वेदर द पर्सन शुड बी, वो आपके जॉब की गारंटी नहीं है वो बायोडाटा। इट इज अ वे, अ पासपोर्ट मीन्स टू गेट द पासपोर्ट फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए एक पासपोर्ट आपको दिला सकता है, पासपोर्ट का मतलब है एंट्री दिला सकता है, तो वो आपका बायोडाटा है। बाकी आप क्या है, आपने इसको इंटरव्यू में प्रूव करना होता है। सो हियर यू विल राइट योर क्वालिफिकेशन इन पैरा नंबर टू। पैरा नंबर टू में आप क्या क्वालिफिकेशन लिखेंगे? आई हियर बाय इनक्लोज माई बायोडाटा, आई इनक्लोज माई बायोडाटा हियर विद पर्टेनिंग ऑल द क्वालिफिकेशनल डिटेल्स टूगेदर विद माई एक्सपीरियंसेस फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। एक चीज और ध्यान रखिए, हमारा लेटर चाहे कुछ भी हो, उसकी जो ये फर्स्ट पार्ट है लेटर का, ये हम 50 वर्ड्स देते हैं। वी हैव टू कंक्लूड दिस और इट टेक्स हार्डली 50 वर्ड्स। बाकी 40 to 50, यू कैन से 40 to 50 वर्ड्स में हमारा ये सब कुछ आ जाता है। और जो ये थ्री पैराग्राफ्स और सब्सक्रिप्शन है, इसके लिए हम देते हैं 100 to 110 वर्ड्स। दिस इज द आइडियल साइज ऑफ योर एप्लीकेशंस, योर फॉर्मल राइटिंग। और आपके एग्जाम में भी जो आपका लेटर आता है वो कितना का आता है? 150 वर्ड्स का आता है। सो यू कैन, यू नीड नॉट टू काउंट दैट आई हैव डन दिस 40 50 एंड देन, क्योंकि आप काउंट करेंगे तो आपका टाइम लॉस होगा। दिस इज समथिंग दैट यू शुड डू इन योर माइंड व्हेन यू प्रैक्टिस राइटिंग लेटर। प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो आपका जो मेजोरिटी ऑफ वर्ड्स होता है वो यहाँ होता है, तो आप उसको एक्सीड करेंगे तो भी वो एक तरह का मोनोटोनस हो जाएगा, कोई उसे पढ़ेगा नहीं, और कम करेंगे तो उसमें इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगी। सो टू मीट यू विल राइट दिस। क्वालिफिकेशन आपने लिख दी। क्वालिफिकेशन लिखने के बाद आप फाइनल पैराग्राफ पर आते हैं। इन द फाइनल पैराग्राफ व्हाट विल यू राइट? क्या लिखते हैं आप? आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स लिखते हैं। यहां पे आप क्या लिखेंगे कंक्लूडिंग रिमार्क्स में? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट?
एक्सपेक्टेशन, योर एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेशन, योर एक्सपेक्टेशंस, क्या है आपकी एक्सपेक्टेशन? योर एक्सपेक्टेशन इज दैट आई शुड बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एटलीस्ट. तो यू विल राइट एंड योर ऑल्सो दिस इज योर एक्सपेक्टेशन दैट यू शुड बी गिवन द चांस टू सर्व इन द फर्म, इन द इंस्टीट्यूशन, उस इंस्टीट्यूशन में तुम्हें चांस मिल जाए नौकरी करने का. ये आपका क्या है? एक्सपेक्टेशन है. सो व्हेन यू राइट योर एक्सपेक्टेशन, व्हाट शुड यू राइट? यू विल राइट आफ्टर यू हैव गिवन द रेफरेंस एंड योर इंटरेस्ट इन द पोस्ट, यू हैव गिवन योर क्वालिफिकेशन रेफरिंग टू योर बायोडाटा, और फिर आपने क्या लिख दिया? एक्सपेक्टेशन में लिख दिया आपने, आई एश्योर यू टू गिव माई बेस्ट इफ आई एम गिवन अ चांस टू सर्व फॉर द पोस्ट. ये आप एक लाइन में यहां पे लिखते हैं. इफ यू फील दैट योर वर्ड लिमिट अलाउ यू टू राइट मोर, यू कैन राइट. यू कैन ऑल्सो राइट दैट आई शैल डू माई बेस्ट टू फुलफिल योर नीड एंड टू मीट योर एक्सपेक्टेशन इफ आई एम गिवन अ चांस. इसके बाद आप एक लाइन में लिखेंगे लास्ट में, लुकिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, मीन्स यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दैट द एम्प्लॉयर शुड रिस्पॉन्ड योर एप्लीकेशन पॉजिटिवली, योर बायोडाटा पॉजिटिवली, एंड ही शुड कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू. सो देयर व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ आफ्टर राइटिंग दीज थ्री पैराग्राफ वी मूव टू द फाइनल पार्ट ऑफ आर एप्लीकेशन, दैट इज सब्सक्रिप्शन. सो हियर यू कैन राइट योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, और फिर अपना नाम एंड डू साइन द एप्लीकेशन. इसके साथ आपने एप्लीकेशन को साइन भी करना है. सो ये हमारे क्या हो गया? एक जॉब एप्लीकेशन का मैंने आपको आइडिया दिया है. हम इसको डिटेल में अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक लेटर लिख करके, यहाँ पे पूरा लेटर लिखना पॉसिबल नहीं था, तो अभी हम एक जो लिखा हुआ लेटर है स्मार्ट क्लास में चलते हैं, वहां पे देखते हैं कि लेटर कैसे लिखा. ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी दैट देयर इज एन एप्लीकेशन. दिस एप्लीकेशन इज रिटन फॉर अ पोस्ट ऑफ जूनियर मैनेजर. अब ये क्या था? ये आपका एक एड था. इस एड में आपने देखा कि दास एंड कंपनी लिमिटेड देहरादून ने एक वैकेंसी निकाली है. एप्लीकेशन किसके लिए मांगी है? जूनियर मैनेजर के लिए. और मैं एक कैंडिडेट हूं, मेरा नाम अनिकेत है, मेरा पता सबसे ऊपर लिखा हुआ है, और मैं अपनी बात रखना चाहता हूं. तो मैं क्या कर रहा हूं? फर्स्ट मैंने जॉब एप्लीकेशन नहीं लिखना है. जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो ये टॉप में मैंने तो जॉब एप्लीकेशन लिखा. क्यों लिखा? तुम्हें समझाने के लिए. जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे ऑन दैट मोमेंट यू नीड नॉट टू राइट दिस जॉब एप्लीकेशन ऑन द टॉप. आप सीधे सीधे कहां से स्टार्ट करते हैं? सेंडर्स एड्रेस से. द सेंडर्स एड्रेस इज हियर, नेम ऑफ द विलेज, नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड. इफ यू वॉन्ट यू कैन इंक्लूड पिन कोड. ये एड्रेस लिखने में थोड़ा सा ध्यान रखना कि हम एड्रेस में पंक्चुएशन मार्क्स का यूज नहीं करते, बिकॉज देयर आर टू वे ऑफ राइटिंग एड्रेस. इफ यू आर राइटिंग द पंक्चुएशन मार्क्स इन दैट केस इट विल बिकम अ वेरी टीडियस थिंग, क्योंकि उसका एक फॉर्मूला है कि किसके बाद कोलन आएगा, किसके बाद कॉमा आएगा, किसके बाद सेमी कलन आएगा, और कहां पे फुल स्टॉप आएगा. सो अब वो सब नए ट्रेंड में अलग कर दिए हैं. टू मेक इट इजियर वी डू नॉट राइट एनी पंक्चुएशन मार्क्स इन आर एड्रेस. अब कॉमा वॉमा लगाने का नहीं है. ये माइन्यूट सी चीजें हैं जिन्हें आप, ये आगे आपका टेस्ट होगा तो आगे आप इसको करेंगे, लेकिन आपके लेवल पर यह है कि आप सबसे ऊपर क्या लिखें, जैसे भी लिखेंगे अपना एड्रेस लिखेंगे. आफ्टर राइटिंग योर एड्रेस देन डेट. फिर मैंने किसका एड्रेस लिखा है? यहां पे लिखा है
रिसीवर का एड्रेस जिसको ये लेटर भेजना है, ये एड्रेस मुझे कहां से मिला? यहां ये एड्रेस मुझे मिला उस एडवर्टीजमेंट से जहां मैंने इसको पढ़ा, या मैं अगर एग्जाम के लिए लिख रहा हूं तो मुझे कहां से मिलेगा? मेरे क्वेश्चन में दिया होगा। इसका क्वेश्चन कैसा होता है? यू आर अनिकेत, यू रिसेंटली सॉ एन एडवर्टीजमेंट ऑन ए नेशनल डेली पब्लिश्ड बाय दास एंड कंपनी रिक्वायरिंग जूनियर मैनेजर, सो एज एन एप्लीकेंट राइट अ लेटर टू द एम्प्लॉयर। अब आपको सब कुछ दे दिया उसने, कंपनी का नाम भी दे दिया, आपका नाम भी दे दिया और पोस्ट का नाम भी दे दिया। अब आपने क्या करना है, ये जो सेंटेंसेस आपकी तैयार है इनमें इसको फ्रेम करना है। तो मैंने लिखा, फिर एड्रेस लिख दिया, फिर स्पेस देके सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर मैनेजर। अगेन टू रिमाइंड यू, यू कैन ऑल्सो टेक दिस सब्जेक्ट आफ्टर सैल्यूटेशन। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सर सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर मैनेजर, एंड देन यू विल स्टार्ट राइटिंग योर पैराग्राफ्स द बॉडी। ये फिर ऊपर वाले में सेंडर्स एड्रेस, ये रिसीवर्स एड्रेस में देखिए टू का यूज नहीं हुआ है, सो अब टू का यूज मत कीजिए, जस्ट राइट द मैनेजर। अब आप जब अपने को, जब आप लीव लिखते हैं, लीव की एप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल सर को, अब आप इसी फॉर्मेट पे लिखिए। आपको हिंदी में लिखने के बजाय इंग्लिश में कोशिश कीजिए, हिंदी में तो आपको आती है। अब आप इसकी प्रैक्टिस सबसे अच्छी है कि जब आप छुट्टी पे जाएं तो आप इस फॉर्मेट पर अपने सिक लीव, अगर आप एब्सेंट हैं तो प्रिंसिपल सर को जो एप्लीकेशन लिखेंगे इसी फॉर्मेट पे लिखें। टू द प्रिंसिपल ना लिखिए, द प्रिंसिपल लिखिए, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एंड योर इंटर कॉलेज नेम। इस तरह से आप, ये एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है जिसको आप किसी भी एप्लीकेशन के लिए यूज कर, मतलब कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने सब्जेक्ट लिखा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर मैनेजर, और फिर आगे चलते हैं सैल्यूटेशन। यहाँ पे मैंने स्टार्ट कैसे किया, एक बार मैं इसे पढ़ के सुनाऊंगा आपको, फिर आप इसको खुद से एक्सप्लेन करते रहेंगे कि कहाँ पे नीड आ रही है, कहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है, कहाँ पे अपने बायोडाटा की बात कर रहा है और कहाँ पे वो फाइनल अपने एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा है। आप पता करते रहिए, मैं पढ़ता रहता हूँ। सर विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट नंबर 1235 पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड अप्रैल 3, 2020 इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोजिशन ऑफ जूनियर मैनेजर, आई सॉलमली ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द पब्लिश्ड पोस्ट। आई शेल बी अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू एंड अदर प्रोसीडिंग्स एट एनी टाइम इफ माई कैंडिडेचर इज एंटरटेन्ड। आई एम एनक्लोजिंग हेयर विद माई बायोडाटा टू एनेबल यू कंसिडर माई क्लेम्स रिगार्डिंग माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसिस रिलेटेड टू द पोस्ट। आई फर्दर एश्योर यू दैट आई शेल वर्क विद अटमोस्ट डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी इफ आई एम गिवन अ चांस टू सर्व यू, लुकिंग फॉर अ फेवरेबल हियरिंग फ्रॉम यू, एक्सपेक्टेशन, देन फाइनली सैल्यूटेशन। सो विद दिस यू विल टेक अ फोटोग्राफ ऑफ दिस एंड यू विल राइट एन एप्लीकेशन। So we can conclude, next time we will learn the biodata. We have already studied how to write an application. Next time we will learn how to prepare a biodata to apply for the job, because this application is incomplete without biodata. So thank you, student, for this time, and we will continue next time with biodata.